अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि झटपट से आपको हर आने वाली वीडियो मिल जाए। और आज की वेदर की अपडेट बताऊं तो मौसम बहुत हसीन हुआ हुआ है और लास्ट नाइट बारिश हुई है, आप देख सकते हैं। ये मेरे इधर अंदर डेक पे सारी पानी आया हुआ है बट अभी नहीं हो रही। और आपको बताऊं कि अभी जौनसा है ना, वो मॉर्निंग का टाइम है और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है और हब्स भी बहुत फील हो रही है। और अभी सब लोग सो रहे हैं और मैंने कहा बाहर निकल के तो थोड़ा सा वेदर को देखते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं। वैसे तो अब ट्रैफिक का भी काफ़ी शोर है और मौसम बहुत अच्छा खूबसूरत हो गया हुआ है। तो अभी अंदर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं, नाश्ता बना के देते हैं सबको और बाकी दिन के सारे अपने काम देखते हैं। तो लेट्स गो। अ फ्यू इंचेस लेटर। हाँ जी गाइस, देखें मौसम कितना सुहाना हुआ हुआ है। आसमान पे फुल घने बादल हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश कभी होती है और कभी ख़त्म हो जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और सीन ये हुआ है कि फ्लोरिडा में काफ़ी ज़्यादा तूफान आया था लास्ट वीक और वो तूफ़ान वहाँ से हमारी तरफ मूव होके आगे को जा रहा है और इसलिए वो तूफ़ान जो है ना थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ जोन सी है वो थोड़ी लॉन्ग हो गई है। एंड देन आज और कल के दिन ये मौसम इसी तरह रहेगा, बादल और बारिश आती जाती रहेगी। कितना खूबसूरत और सुहाना लग रहा है, थैंक गॉड। कुछ आज दो दिन तक आई होप गर्मी की शिद्दत बिल्कुल नहीं होगी और इतनी हब्स भी नहीं है। अच्छा लग रहा है, मज़े का लग रहा है क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी मैं बाहर से भी कुछ हालात दिखा दूं, कितने खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं। चलें अपना चल के खाना स्टार्ट करते हैं। One hour later. ये देखें गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है किसी के लॉन में, घर के बाहर बहुत मजे की लग रही है ये चीज। दो मुर्गे हैं खड़े हुए। 150 रुपया देगा। वाओ, लोग कितना एफर्ट करते हैं अपनी घर को, अपनी चीजों को खूबसूरत और डेकोरेट करने के लिए। ये देखें, ये सारा लोहे का है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। A few moments later. ये देखें गाइस कितना जबरदस्त, कितना सुहाना मौसम हुआ है। इस वक्त बारिश हो रही है और कोई पानी नहीं है सड़कों पे। सब लोग कितने मजे से अपनी लाइन में चल रहे हैं। सबसे बेस्ट और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ का यही और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये लोग ना इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं और ये रोड्स जब बनाते हैं तो ग्राउंड से थोड़ा सा हाई उसको बनाते हैं ताकि वो सारी जो पानी है ना बारिश का वो ड्रेन होके साइड पे निकल जाए। उन्होंने साइड पे एक एक नाला नमासी चीज बनाई हुई होती है जिससे पानी सारा ड्रेन होके और देन वो सीवरेज में चला जाता है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे सड़कें भी नहीं टूटती और पानी भी नहीं खड़ा होता। जितनी मर्जी बारिश हो जाए कभी भी पानी आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, जबरदस्त। आसमान देखें कितने गहरे बादल हैं। What a time to be alive. A little longer than a few minutes later. हाँ जी गाइस, आज मैं खाने में चिकन, सफेद चने और साथ में चिकन बना रही हूँ और ये रेसिपी बहुत मज़े की और बहुत इजी और क्विक है, ज़्यादा हार्ड और मुश्किल नहीं है। आप अपने खाने को जितना मुश्किल बनाओगे उतनी वो मुश्किल होगी। अदरवाइज़ अगर खाने को प्यार से, मोहब्बत से,
एक शॉर्ट वे से भी आप बनाएं तो खाना बहुत मजेदार और अच्छा बनता है। तो मैं इसको प्याज को पहले फ्राई कर रही हूँ, फिर इसमें मैं सारे मसाले, टमाटर और जो बाकी चीजें हैं वो डालूंगी, फिर चिकन डाल के भूनूंगी एंड देन बाद में चने डालूंगी। तो मैं आपको स्टेप दिखाऊंगी सारे। तो अभी मैं पहले इसको प्याज को फ्राई कर रही हूँ, तो ये ऑलमोस्ट होने वाला है। ये मैंने इसमें ना टमाटर और सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, तो मैंने इसको अब थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़े थोड़े से ये ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े मैश हो जाएंगे, तो फिर इसमें मैं चिकन डालूंगी, फिर हम उसको भूनेंगे। हाँ जी गाइस, मैंने मसाले को अच्छी तरह मैश करके और अच्छा सा भून के फिर मैंने उसमें चिकन डाला है, और चिकन बोनलेस है क्योंकि विद बोन कोई भी चिकन नहीं खाता एक्सेप्ट कढ़ाई या पुलाव में। तो मैं बोनलेस चिकन चूज़ करती हूँ, जस्ट ओनली थाइस, बिकॉज थाइस इज़ मोर जूसी एंड उसका टेस्ट लिटल बेटर देन ब्रेस्ट। सो अच्छा, तो ब्रेस्ट बहुत ड्राई और किसी को भी मज़ा नहीं आता। तो अब मैं इसको भूनूंगी, देन मैं इसमें चने डालूंगी। मैंने चने इसमें डाल दिए हैं चिकन को भून के, अब मैं इसको थोड़ा भूनूंगी एंड देन उसको जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम ग्रेवी बनाएंगे एंड देन दिस इज़ रेडी। ये देखें गाइस, मेरे चिकन एंड चने बन गए हैं और बहुत मज़ेदार और अच्छे बने हैं। खुशबू मज़ेदार वो भी बहुत अच्छी आ रही है, देखें कितने हरे भरे से नज़र आ रहे हैं। और अब हम खाना वाना खाते हैं। अपनी मैं वीडियो को भी यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि झटपट से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।